हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार। सो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देखिए। मैंने दो सीरीज आप लोगों को चला दिया था, ठीक है, दो वीडियो अपलोड कर दिया था एसएससी एमटीएस के बारे में। आज क्या कि किस पे बेस्ड होगा, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी, तीनों पे बात करते हैं कि क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा और क्या सैलरी रहेगा किस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन, जैसे कि आप लोग पता होगा, मैंने भी वीडियो में बताया था कि एससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिलीज द एसएससी एमटीएस 2023 नोटिफिकेशन ऑन 18 जनवरी को रिलीज हो चुका है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करते हैं तो कितना है, 11,409 वैकेंसी है। ठीक है, ओवरऑल मिला के, हवलदार पोस्ट को मिला के। ठीक है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट द एसएससी एमटीएस टू द सिलेक्ट कैंडिडेट इन द जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके लिए क्या करती है, कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट का छूट जाता है, गलत हो जाता है तो बाकी बाद में रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको आज पूरा क्लियर कर लेते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और किस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन फॉलो दिस मेंशन स्टेप टू अप्लाई फॉर एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है इसका, एसएससी का। कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई एसएससी ऑनलाइन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2023 बाय क्लिकिंग द लिंक दैट विल गिवन बिलो। ठीक है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लिक ऑन द एसएससी एमटीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहां पर रहेगा वहां पर क्लिक करना है और उसमें फिल योर डिटेल भरना है सबसे पहले बात। उसके बाद क्या होगा, जब डिटेल भर दोगे, भरने के बाद यू विल रिसीव ऑन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जैसे आप लोग फिल करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो आपके मोबाइल में क्या आएगा, एक मैसेज आएगा। ठीक है, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एंड पासवर्ड दोनों रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगेन लॉग इन इन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, फिर से लॉग इन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद पूरा खुल जाएगा पूरा फॉर्म। उसके बाद क्या डालना है, इंटर योर डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या डिटेल डालना है, अपना डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल कर देना है। फिल जैसे कर दोगे फिर सबमिट हो जाएगा, फिर अगेन उसके बाद क्या करना है, अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द रिक्वायर्ड क्या जेपीजी फॉर्म में। ठीक है, और इस फॉर्म में क्या होना चाहिए, डायमेंशन जो भी मेंशन किया हुआ उस डायमेंशन पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइनली पे द एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल। जो एप्लीकेबल, जो कैंडिडेट एप्लीकेबल है फीस के लिए वो फी करेंगे, फी पे करेंगे। एंड जो नहीं है, जैसे कि कौन कौन नहीं है मैंने बताया था, एससी एसटी ओबीसी नहीं, ओबीसी में नहीं आएगा, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी और क्या है फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे होगा जरूर। देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में अगर बात करते हैं तो जनरल एप्लीकेशन फी कितना है, 100 क्या है इसका फीस है। लेकिन कौन सा कैंडिडेट के लिए ये एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, जो भी जनरल में आते हैं, जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी जो कैंडिडेट आएंगे मेल, उन लोग के लिए 100 रुपया पे करना है। अदरवाइज कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वोमेन कैटेगरी आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फी, ये लोग कैंडिडेट को नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए, पूरा क्लियर है यहां तक, ये कैंडिडेट को नहीं लगेगा। ओके, आगे देखते हैं, ये एप्लीकेशन फी के बारे में हो गया। अब देखते हैं कि पोस्ट कौन सा था एससी एमटीएस में, क्या क्या रिलीज है एससी एमटीएस 2023 नोटिफिकेशन विद द डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस टू रिक्वायर। ठीक है, एस्पिरेंट ऑफ हवलदार एंड मल्टीटास्किंग वैकेंसी। ठीक है, हवलदार एंड मल्टीटास्किंग वैकेंसी के लिए फॉर्म निकला हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट आएंगे, सबसे फर्स्ट पियोन, ठीक है, ड्राफ्टरी, जमादार, जूनियर ऑपरेटर, उसके बाद चौकीदार, सफाई वाला, माली एंड हवलदार एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे हवलदार में, उन लोगों के लिए क्या है, पीईटी एंड पीएसटी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट होगा, कब,
सीबीटी के बाद या सीबीई के बाद। सीबीई क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद ये होगा, किसके लिए? हवलदार पोस्ट के लिए। अदरवाइज पोस्ट के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को सीबीई क्वालिफाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कटअप जाएंगे, ठीक है। तो हवलदार पोस्ट के लिए पीएटी एंड पीएसटी मस्ट है। और कितना सेशन में एग्जाम होगा ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। नेशनलिटी ऑब्वियसली सबको पता है, इंडियन तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेपाल, भूटान, तिब्बत, रेफ्यूजी, ये सब के लिए भी कुछ कुछ दिया गया है जो कि भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो कैंडिडेट वही बताया जा रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा कैंडिडेट के लिए, जो कि बाहर में रहते हैं उस लोग के लिए। अब आगे देखते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं क्योंकि ज्यादातर क्या है, मैक्सिमम सब इंडियन ही है, ठीक है। एससी एमटी या सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सैलरी कितना दिया जाता है, देखिए, टू फुलफिल द नीड ऑफ द इक्वायरिंग ऑफ द गवर्नमेंट जॉब ऑफ एस्पिरेंट, एसएससी कंडक्ट वेरियस एग्जाम एवरी ईयर। बहुत सारे एग्जाम निकालती है एसएससी, एसएससी रिलीज एंड नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस मल्टीटास्किंग पोस्ट। देखिए क्या क्या निकला हुआ था, मल्टीटास्किंग जो है ना नॉन टेक्निकल है स्टाफ, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, कैंडिडेट मस्ट नो अबाउट द नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, सबको जॉब के बारे में नेचर पता होना चाहिए। आगे देखिए, एसएससी एमटी या सैलरी 2020 फॉल अंडर द बैंड वन, बेसिक सैलरी ये था आपका 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे है 18, देखिए ये है ग्रेड पे 1800। हाउएवर टेक होम सैलरी ऑफ द एसएससी एमटीएस रेंज बिटवीन 20,000 से 20,000 से लेके 24,000 मंथ अप्रोक्सी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 20,000 से 24,000 के बीच में मिलेगा। ये क्या है, एसएससी एमटीएस के सैलरी के बारे में था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिटेल इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस कर लिए, आप एक बार देख लो, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, कैसे नोटिफिकेशन के बारे में तो पहले बता दिए थे, कैसे अप्लाई करना है, बस अप्लाई स्टेप फॉलो करते जाना सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको लिंक नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक। और देखिए, और फीस के बारे में मैंने बता दिया, फीस किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है ये है। आगे ये जो पोस्ट के बारे में बता दिया, पीओ, ड्राफ्टरी, जमादार, ठीक है, जूनियर ऑपरेटर और चौकीदार, सफाई वाला, माली, हवलदार, ये सब क्या है, पोस्ट है इसके लिए एमटीएस। और जो भी हवलदार में जाएंगे वो दोनों के लिए ये स्पेशल सीबीई के भी बाद में होगा, पीएटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में बता दिए हैं, देखिए सिटीजनशिप क्या है, इंडियन होना चाहिए, नेपाली, भूटान, ये सब कार्य क्या है सिटीजनशिप। और सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, सैलरी क्या था, 20,000 से 24,000 के बीच में अप्रोक्स मिलेगा, ठीक है, 20 से 24। अगर जॉब लोकेशन का बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, ये गाइडेंस सीरीज बहुत आप लोग को हेल्प करेगा, इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल वीडियो लाने वाले हैं कि क्या सिलेबस में क्या किस पैटर्न पे एग्जाम होगा, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ये 3 महीने में कैसे कंप्लीट किया जाए, सारा डिटेल को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।